जैसे कि देख पा रहे हैं BS6 सुजुकी एक्सेस 1T है। इसका जो है ओवर रेसिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि कस्टमर का कहना है, ये जब स्टार्ट करता है तो ज़्यादा रेस होता है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम फुल जानकारी देंगे आपको। एक बार इसका RPM दिखा दूँ स्टार्ट करके कि कितना ज़्यादा रेसिंग है। स्टार्ट करना ज़रा, जैसे देख पा रहे हैं स्टार्ट करने में यहाँ थ्रेड और केबल किले भी है और ज़्यादा रेसिंग हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देर न करते जल्दी से करते हैं और दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मेन पॉइंट है इसके अंदर जो RPM का जो एडजस्टिंग का यार स्क्रू का बराबर होता है इसके अंदर रहता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सेंसर है जो थ्रॉटल बॉडी जो इसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, जब चाबी को आप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है दोस्तों। ये इसके अंदर जो ये यार स्क्रू के बराबर एक फाइबर बॉडी है वो अंदर बाहर होते रहता है, तो फाइनली इसको हम खोल के एडजस्ट करके दिखाते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब फाइनली इसको खोलते हैं और दिखाते हैं एडजस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो एडजस्ट करने का मेन पॉइंट है, जैसे कि इसको अगर ज़्यादा खोलोगे, ठीक है दोस्तों, तो RPM घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर बंद करोगे RPM जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी इसमें इस गाड़ी में क्या है RPM ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या करना है खोलना है। अब खोल के ऐसे करके जो है आप RPM सेट कर सकते हैं। अब कितना खोलना है, ये कंपनी में 5 mm तक खोलना चाहिए, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी गाड़ी में RPM ज़्यादा है कम है, उसी के हिसाब से आपको सेट करना है। ये इसका ज़्यादा है इसलिए हमने इसको ज़्यादा खोल दिया है, अब इसका RPM जो है घट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका थ्रेड जो है एक पर रखा है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे करके फिट करके एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, करो सेम फिट करो हमारी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बोला था 1 जोड़ी में, इसको हम फिट करके देखते हैं और स्प्रिंग सही से लगा देना है आपको, स्प्रिंग मिस नहीं करना है। जैसे कि एयर स्क्रू लग चुका है, अब फाइनली इसको टाइट करना है। टाइट कर लेते हैं, जैसे ये टाइट हो चुका है उसके बाद सेंसर का वायर सॉकेट लगा देना है। अब स्टार्ट करके देखते हैं, फाइनली स्टार्ट करो। ठीक है, यदि सुन पा रहे इसमें ज़्यादा है, इसमें और थोड़ा घटाना है, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करना है, इसमें अभी भी रेसिंग है इसलिए और जो है इसका एडजस्ट करना है। फिर से एक बार खोलते हैं, फाइनली हो पाता है कि नहीं देखते हैं। अगर सही नहीं होता तो ये सेंसर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा खोल करके चेक करते हैं अभी कैसा है इसका सोलो रोलिंग। लगा देते हैं सॉकेट, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सॉकेट फिट हो गया, उसके बाद स्टार्ट करके देखते हैं ये चलता है कैसा रेस है। स्टार्ट करना है, सुन सकते हैं अब स्टार्टिंग का सोलो रनिंग बराबर है। आप देख सकते हैं इधर भी स्पीडोमीटर भी बराबर है, व्हील भी रोलिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके सेट कर सकते हैं और आपको जो है ये एक्सीलेटर केबल चेक करना है, ये अगर टाइट रहेगा और इधर से अगर एडजस्ट करोगे तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये केबल सही होना चाहिए, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा लूज है, ऐसा होना चाहिए। अगर ये टाइट रहेगा आप इधर से एडजस्ट करोगे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना फिल्म होने के नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आपको फुल जानकारी मिल चुकी है।